हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी GT न्यू 2 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड करनी है या ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं गाइज, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल पर नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपनी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद राइट साइड में 3 डॉट मिल जाती है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दो मिल जाता है। सिंपली हम इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है, इसे आप इनेबल कर देंगे एलवेज रिकॉर्डर। सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं नॉट अवेलेबल फॉर योर लोकेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं आप जैसे ही इसे इनेबल कर देंगे हमारे फ़ोन के अंदर इनेबल नहीं हो रहा है कुछ टाइम समय की वजह से, लोकेशन की वजह से हमारे यहाँ ऑन नहीं हुआ। ऑप्शन मिल जाता है नॉट अलाउड इन योर लोकेशन, हमारी लोकेशन पर ये अलाउ नहीं है। अगर शायद हो सकता है आपके यहाँ अगर ये अलाउ हो तो आप अपने हिसाब से इसमें कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।